इतने विचित्र और अलग अलग फ्रूट्स मैंने तो आज तक नहीं देखे थे, और अगर आप इनको देखोगे ना तो आप भी दंग रह जाओगे कि क्या इस तरह के फ्रूट्स भी बाजार में आते हैं। जब मैं बाली गई थी तो मैंने यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के फल देखे जो कि मैंने पहली बार देखे थे, और फिर मुझे ये देखना था कि इनको काटा कैसे जाता है और खाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये कांटे वाला फ्रूट। इसको यहाँ पर डूरियान के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस है, आपको जगह जगह रोड साइड पे मिल जाएगा, और ये जितना पीला होगा उतना ही पका और टेस्टी होगा। तो चलिए इसको कटवा के देखते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर ना इस तरह के बड़े बड़े से बीजे निकलते हैं, और इसमें ना आप काटते जाएंगे तो अंदर लेयर्स होती हैं, और लेयर्स के अंदर इसके बीजे बीजे होते हैं। तो एक डूरियान में करीब 8 बीजे निकलते हैं, और चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। लेट्स सी। तो देखने में तो थोड़ा कटहल जैसा है, बहुत मीठा है, एकदम क्रीमी है, और इसके अंदर ना एक बीजा निकलता है छोटा सा, अगर आप खाओगे ना तो ये देखिए कितना क्रीमी है, मेरे हाथ पे भी एकदम क्रीमी क्रीमी हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा ना मैं क्या कहूँगी, जैसे शरीफा होता है ना या कस्टर्ड एप्पल, उसका सा टेस्ट आ रहा है ना मैं इसमें आपने खाया। तो ये देखिए खाने के बाद ना इसमें से सीड निकलती है बड़ी सी, इसको नहीं खाना है, इसको हम फेंक सकते हैं। तो बहुत डिफरेंट फ्रूट है पर टेस्टी है काफ़ी, अगर आपके शहर में मिलता है तो बताइएगा इसको क्या कहते हैं। और ये देखिए, ये है बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूट, तो आप नाम गैस करेंगे इसका क्या? आप इसमें देख रहे हो ना एकदम जो इसकी स्किन है वो बिल्कुल सांप की स्किन के जैसी है, तो इसीलिए इसका नाम है स्नेक फ्रूट। और ये देखिए मैं इसको आपको छील के दिखाती हूँ, जब आप इसको छील के देखोगे ना ऐसा लगेगा जैसे लीची अपने यहाँ की होती है ना, उस टाइप की लग रहा है। और चलिए इसको भी टेस्ट करके देखते हैं हम। ये भी टेस्टी और पता काफ़ी हार्ड है, तो आपको च्यू करोगे ना काफ़ी जूसी भी अंदर से, और इसके अंदर भी देखिए एक सीड निकलती है। ये भी लीची जैसा लग रहा है क्या? लीची बहुत जूसी होती है हमारी, ये खाने में थोड़ा डिफरेंट है। वी वांट टू ट्राई, राइट? हार्ड है, क्रंची है, क्रंची है, मीठा भी है, क्रंची भी है, और जितना च्यू करोगे ना जूसी भी है, और फ्लेवर भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है। तो फ्रूट तो हमने खा लिया है, और आइए मैं दिखाती हूँ कि इसका पेड़ कैसा होता है। और ना ये काफ़ी सारे एक साथ निकलते हैं और कांटे कांटे से होते हैं पूरे में, और मैंने सुना है ना जहाँ पे ये स्नेक फ्रूट उगता है ना वहाँ सांप भी बहुत आते हैं। तो है ना बिल्कुल डिफरेंट तरह का पेड़ और डिफरेंट तरह का फ्रूट। तो ये है ग्रेप फ्रूट, ये तो मुझे बैंगलोर में भी कई बार दिख जाता है, और अगर आप अंदर से काटोगे ना देखो इस तरह से निकलता है, ऑलमोस्ट ना संतरे जैसा लगता है पर रेड कलर का होता है, और थोड़ा सा सार होता है खाने में, उतना मीठा भी नहीं होता है, और ये अंदर से ना एकदम लाल और जूसी होता है। तो आपने देखा कितने डिफरेंट तरह के फ्रूट्स हैं यहाँ पे, और जो बनानास हैं वो भी ना एकदम छोटे छोटे क्यूट से बनानास मिलते हैं यहाँ पे, अनानास है, जैक फ्रूट है, और ये ड्रैगन फ्रूट तो बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। और अब ये देखिए मैं घूमते घूमते कहाँ पहुँची हूँ, मैं पहुँची हूँ बाली के फ्रूट मार्केट में, जहाँ पर ना बहुत ही अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं। तो पहला जो फ्रूट मैंने देखा वो है टमारीला। तो टमारीला जैसे आपको लगेगा ना जैसे बेबी टोमेटोज या छोटे वाले टमाटर आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का देखने में लगता है, बस ये ऊपर से ना थोड़ा हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। और चलिए इसको कटवा के देखते हैं। ओह लुक एट दिस, आई हैव टू ईट सीड और आउटसाइड आल्सो, टेस्ट लाइक टोमेटो। Oh, you squeeze it inside. It tastes sweeter tomato, you know. But even मतलब outside. थोड़ा सा मीठा मीठा जैसे टमाटर होता है ना वैसा लग रहा है कि मीठा टमाटर खा रहे हो, और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब देखिए ये है मैंगोस्टीन, ये इंडोनेशिया का एक बहुत ही फेमस फ्रूट है, और देखिए इसको इस तरह से छील के जो इसके अंदर ये छोटे छोटे से आप ये पार्ट्स देख रहे हैं ना उसको खाया जाता है, बहुत बहुत टेस्टी होता है। इनफैक्ट मैंने बैंगलोर में भी कई बार खाया है, ये बैंगलोर में तो मिल जाता है, सीजनल होता है, हर सीज़न में नहीं मिलता है, पर मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब मेरे पास है पैशन फ्रूट, आपने नाम तो बहुत सुना होगा ना पैशन फ्रूट का, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था। तो ये देखिए इसको काटने पे ना इसमें इस तरह के बीजे बीजे से लगते हैं, तो बस उसको क्या करना होता है ना, इसको इस तरह से आपको निचोड़ना होता है जिससे कि जो बीजे और पल्प है ना सिर्फ वो ही खाना है आपको, ऊपर का कवर नहीं खाना है। तो मुझे तो ना टेस्ट में बहुत ओके ओके लगा, एक तो स्वीट नहीं है और बहुत ही बीजे बीजे लग रहे हैं खाने में, तो मुझे तो बहुत ओके ओके लगा। और ये देखिए ये है यहाँ पर उन्होंने बताया बैलनीस कीवी, पर पता क्या है असली में मुझे पता लगा ये हमारे का चीकू है यार, चीकू तो हर जगह मिल जाता है, और चीकू को तो क्या टेस्ट करना है, इसका टेस्ट तो आपको पता ही है कितना मज़ेदार होता है, मीठा और बहुत ही टेस्टी। और ये देखिए एक और फ्रूट दिखाती हूँ, इसको बोलते हैं स्नो फ्रूट। अब भाई स्नो फ्रूट क्यों बोलते हैं, स्नो जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें, तो ना ये देखो जब आप इसको काटोगे ना तो ये देखिए ऐसा लग रहा है ना जैसे स्नो बॉल्स हो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, तो
इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसका टेस्ट भी ना बहुत ओके ओके है यार। मतलब ना ऐसा नहीं है कि सारे फ्रूट्स जो हैं बड़े टेस्टी हैं और आपका मन कर जाए कि ये भी खा लें वो भी खा लें। नहीं, मुझे तो कुछ ही फ्रूट्स अच्छे लगे, सच बता रही हूँ। लेकिन जब ऐसी जगह आते हो ना तो आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई ज़रूर करके देखनी चाहिए। इतने तरह के फ्रूट्स हैं और जो जो पसंद आ रहे हैं उनको ख़रीद के खा भी लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह ना हर फ्रूट नहीं मिलता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कौन कौन से फ्रूट ट्राई कर रखे हैं और आपको वो पसंद आए कि नहीं खाने के बाद। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।